दूसरे के सहारे रहेंगे, नजदीकियां क्या हो दूरियां, बस प्यार ही रहेगा दरमियां, नहीं धूप कहा ठंडी छाया देगा हरदम, पवित्र रिश्ता पवित्र रिश्ता तेरे मेरे मन का, पवित्र रिश्ता पवित्र रिश्ता तेरे मेरे मन का। कोई दिख नहीं रहा है। और धर्मेश कहाँ गया? अभी तो यहीं पर था, मैंने उसको ऊपर बुलाया। रितेश धर्मेश की छोड़ो, वो कहीं कहीं होगा, लेकिन पहले वर्षा को ढूंढना। हाँ अर्चना, तुम वैशाली के रूम में देखो, शायद हो सकता है वहाँ पे हो। ठीक है, मानो हम नीचे देखते हैं। वैशु? हाँ ताई। वैशु, यहाँ वर्षु नहीं आई? नहीं, क्यों? अरे पता नहीं कहाँ चली गई, मैं उसे ढूंढ रही हूँ, वो मिली नहीं रही। अच्छा देखती हूँ, शायद किचन में होगी। अरे ताई चल, मैं भी तेरे साथ। हाँ जी, मैंने मैंने किचन में भी देखा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। हमने भी बाहर देखा, बाहर भी नहीं। वो बैकयार्ड में भी नहीं है। ऐसा तो नहीं कि धर्मेश साथ में हो, लेकिन वो भी नहीं दिख रहा है। एक मिनट, मैं फोन करता हूँ धर्मेश को। सतीश क्यों फोन कर रहा है मुझे, क्या बोलूं उसे? हेलो सतीश, घर से फोन आ गया था अचानक, माँ की तबीयत खराब हो गई तो मुझे बिना बताए निकलना पड़ा। अरे कोई दिक्कत नहीं है, इट्स ओके। अच्छा ये बताओ कि यहाँ से निकलते वक्त तुमने वर्षा को देखा था क्या? नहीं तो क्यों, क्या हुआ? नहीं, वो एक्चुअली बिना बताए वर्षा कहीं निकल गई है। मैं थोड़ा सा परेशान हो गया था। खैर डोंट वरी, मैं देखता हूँ कहीं आसपास होगी। सतीश कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं नहीं, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा वो वैशाली? नहीं वैशाली ठीक है। डोंट वरी, मैं बता दूंगा उसको कि तुम्हें कुछ अर्जेंट काम आ गया था, इसलिए तुम निकल गए, वो नाराज नहीं होगी। चल चल, मैं बात करता हूँ तुझसे, ठीक है? हाँ बाय। लगता है सतीश को किसी ने कुछ नहीं बताया है। मैं खामखा डर गया, एक टेंशन खत्म होती नहीं दूसरी शुरू हो जाती है। चलो धर्मेश, अब माधुरी को संभालो, वहाँ से निकला हूँ तो माधुरी से बात कर लेता हूँ, रूठी हुई है, उसे मनाना होगा। लगता है होटल ही जाना पड़ेगा। लगता है अकेली है, हैं? अच्छी है ना? चलो संभल के जाना हो कैद के बिन। तमे पन गुजरात में आओ। हाँ जरूर। चलो अपनी किस्मत आजमाते हैं, हैं? चलें? चल। चल, सोचा था अकेली है। सुनो, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। कहाँ जाना है तुम्हें? मुझे पुणे जाना है मुझे। लेकिन
पुणे की ट्रेन तो यहाँ से नहीं छूटती, 5 नंबर के प्लेटफॉर्म से जाती है। मेरे ख्याल से अब तक तो वो ट्रेन चली भी गई होगी, सुबह तक तो और कोई ट्रेन है नहीं। सुबह तक कोई ट्रेन नहीं। बेटी तुम्हें किसी से पूछना तो चाहिए था ना कि पुणे की ट्रेन कब आती है, कहाँ से छूटती है, लेकिन शायद तुम अपने ख्यालों में इतनी खोई हुई थी कि। बात क्या है बेटी, तुम अकेली हो, तुम्हारे साथ कोई नहीं है, मेरा मतलब है तुम्हारे पति वगैरह। देखो मुझे ये सब पूछना नहीं चाहिए, लेकिन इतनी रात गए तुम्हारा अकेले यहाँ बैठना खतरे से खाली नहीं है, भगवान ना करे कोई अनहोनी हो गई तो। अरे संभालो अपने आप को, क्या बात है बताओ, बोलो बेटा क्या बात है। बर्बाद कर दिया उसने मुझे, मुझसे शादी की, एक बच्चे की जिम्मेदारी मेरी गोद में डाल के चला गया, अपनी जिंदगी जीने के लिए मुझे अकेला छोड़ के, जिस पे सबसे ज्यादा भरोसा किया उसने मुझे। सतीश, धर्मेश से कुछ बात हुई वर्षा के बारे में? नहीं, वो कुछ भी नहीं जानता है, वो एक्चुअली धर्मेश की माँ की तबीयत सही है नहीं, तो फोन आया था वो निकल गया यहाँ से बिना बताए। अच्छा सतीश, हमने टेरेस पे नहीं देखा वर्षा को। कब से सब ढूंढ रहे तुम्हें, पूरी हवेली छान मारी, यहां बैठी हो बिना किसी को बताए? हाँ वर्षा, सब ठीक है ना? Excuse me, sir. Yes. कहाँ जा रहे हैं आप? कहाँ मतलब? Room number 304. मेरी वाइफ रुकी वहाँ पर, आप तो जानते हैं? Yes, sir. जानता हूँ मैं. तभी तो मैं आपको रोक रहा हूँ. आपकी वाइफ अपने बच्चे को लेकर ऑलरेडी चेकआउट कर चुकी है. क्या? कितना टाइम हुआ? यही करीब 2-3 घंटे पहले. अच्छा, कोई मैसेज वगैरह छोड़ा उन्होंने मेरे लिए? सॉरी सर, कोई मैसेज नहीं है. थैंक यू. इट्स ओके. सब के सब मेरी जान के दुश्मन बने हुए हैं. अब इस माधुरी को कहाँ ढूंढूं? ना कोई मैसेज छोड़ा है ना कुछ, ऊपर से मोबाइल भी स्विच ऑफ कर रखा है. सब मेरी ही गलती है, ना मैं उससे रूडली बात करता, ना वो इस तरह बिना बताए चली जाती, कहां गई होगी, इतने बड़े शहर में कहां ढूंढूं उसे. कहां थी तू? तुझे हम लोग कब से ढूंढ रहे हैं? ये यहीं पर ऊपर थी वर्षा. ताई, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सो जाती हूँ. दीजिए हम लोग चलते हैं, उसे सोने दीजिए. ठीक है सर. चल भाई.
माधुरी जहाँ जहाँ जा सकती थी हर जगह छान मारी मैं, लेकिन कहीं पता नहीं चला उसका। पता नहीं क्या हो गया मेरी किस्मत में। वैशु की टेंशन तो पहले से ही थी और माधुरी का टेंशन अलग से। धर्मेश पता नहीं तेरा क्या होगा, काफी देर हो गई, माँ तो अब तक सो गई हो। कौन माँ? तुम्हारा यहाँ आना कितना रिस्की हो सकता है? माँ घर पर है, क्या जवाब दूंगा मैं उनको? और वरुण कहाँ है? जी वो मैं धर्मेश। तुम कब आए? माँ बस अभी आया। ये माधुरी। तुम्हारी मासी को छोड़ने स्टेशन गई थी ना, वहीं इससे मुलाकात हो गई। बड़ी दुखी आ रही है बेचारी, इसके पति ने इसे छोड़ दिया है। अब एक छोटे से बच्चे की जिम्मेदारी सर पर लिए घूम रही है। माँ तुम इसे यहाँ क्यों ले आई? तो क्या करती बेटा, अब अकेली औरत को रात भर स्टेशन पे ऐसे ही छोड़ देती? इंसानियत भी कोई चीज होती है ना बेटा। वैसे भी ये एक रात की ही तो बात है, कल सुबह की पहली ट्रेन से ये पुणे जा रही है। पानी पिया तुमने? जी हाँ। तो चलो थोड़ा आराम कर लो, कल सुबह जल्दी उठना है ना। जी। क्या बात है माना, आप सोए नहीं? तुम भी तो नहीं सोए। मैं वर्षु के बारे में सोच रही थी, आप भी वर्षु के बारे में सोच रहे थे ना? वर्षा के बारे में सोच रहा हूँ, सतीश के बारे में सोच रहा हूँ, बाबा के बारे में सोच रहा हूँ, दरवेश के बारे में सोच रहा हूँ। कभी कभी जो लगता है कि इतनी सारी पोयम्स कि सबके बारे में सोचने जाओ तो पता नहीं कितनी सारी रातें निकल जाएं, लेकिन हल नहीं निकले। आई बाबा की याद आ रही है। कैसा कैसा बेटा होगा, आई बाबा किसी इस उम्र में भी उनका साथ नहीं दे सकता, बहुत तकलीफ होती है, लेकिन क्या करूं, मजबूरी ऐसी है कि उनके साथ भी नहीं रह सकता और प्यार इतना है कि उन्हें भूल भी नहीं सकता। काश किया है तो फिर वापस अपना ले। ऐसे ही होगा मान, बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसा आप सोच रहे। इतना ही मुझे अपना लेंगे और फिर हम साथ साथ रहेंगे, बिल्कुल वैसे जैसे हम लोग रहते थे, प्यार से रहेंगे, खाएंगे पिएंगे, झगड़ेंगे भी, लेकिन वो झगड़ा उसी दिन खत्म हो जाएगा, अगले दिन से फिर नई खुशी आएगी। मैं वो सारे दिन बहुत मिस कर रहा हूँ। क्या हुआ तुम्हें मानव? मैं सोच रही हूँ कि हम जब आई बाबा के साथ रहेंगे तो फिर वैशु कहाँ रहेगी, उसका ख्याल कौन रखेगा?
तब तक धर्मेश और उसके बीच की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो तुम चिंता मत करो, मैं कोई ना कोई हल जरूर निकालूं, लेकिन इस बार वैशाली की जिम्मेदारी से हम पीछे नहीं हटे, बिल्कुल चिंता मत करो। आप इतना अच्छे क्यों? क्योंकि तुम इतने अच्छे। मुझे बिना बताए कहाँ जा रही थी? उन्हें वापस जा रही थी अपने घर। नाराज होना मुझसे, मैं जानता हूँ माधुरी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। मैंने जिस तरह से तुम्हारे साथ बात की, तुम्हारी नाराजगी बिल्कुल जायज है। आई एम सॉरी माधुरी, मुझे तुमसे प्लीज धर्मेश बस कीजिए, बहुत हो चुका। आपके मुंह से झूठ सुन सुन के तंग आ चुकी हूं मैं। हमेशा छोटी माफी, हमेशा वही गलती, फिर से एक नई गलती, लेकिन अब ये सब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। तू बड़ा धीरे बोलोगी, माँ जाग जाएगी। और माधुरी इसमें इतना हाइपर होने की क्या जरूरत है? प्लीज सर्वेश, मेरी चुप्पी को ना मेरी बेवकूफी मत समझिए। अच्छे से जानती हूँ आपके ये सब हथकंडे सब दांव पेच। और हाँ, मुझसे और वरुण से झूठी सिंपति मत दिखाइए आप। मैं जानती हूँ कि हम दोनों बस आपके लिए बोझ हैं, जिसे ना चाहते हुए भी आपको झेलना पड़ रहा है। माधुरी तुम? हाँ मैं पागल हो गई थी, मैं पास लगाए बैठी थी कि कभी ना कभी तो आपके दिल में हम दोनों के लिए प्यार आएगा, लेकिन नहीं, वो उम्मीद भी झूठी थी। आपके लिए हम दोनों के ना कल कोई मायने थे तो ना ही आज। आज बहुत दुख पहुंचा है मुझे, इसलिए नहीं कि आपसे मुझे प्यार नहीं मिला, बल्कि इसलिए कि आपका प्यार पाने की खातिर मुझसे एक भोली भाली लड़की की हस्ती खेलती जिंदगी तबाह हो गई, और आपके इस गुनाह ने मैंने आपका साथ दिया। इस गलती को मैं कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। तो कहना क्या चाहते माधुरी? ये मत भूलो, जिस दिन हमारी शादी हुई थी उस दिन से लेकर आज तक तुम्हें हर महीने बिना नागा पैसे भिजवाए हैं, तुम्हारी और वरुण की हर जरूरत को पूरा किया है, और इसे इस्तेमाल करना नहीं, इस्तेमाल होना कहते। अगर सब कुछ पैसे में तोड़ना था तो मेरी जरूरत क्या थी? अच्छा होता कि आप किसी वेश्या के कोठे पे चले जाते, कम से कम वो आपके गले तो नहीं पड़ती, वरना ही आपके पाप को प्यार समझ के अपने पेट में पाल दे। माधुरी बकवास बंद करो। देखो माधुरी, मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। यही तो आपकी प्रॉब्लम है, आप कहते कुछ और आपके कहने का मतलब कुछ और होता। चुप्पत नसीबी से मैं आज तक नहीं समझ पाई, कई बार मैंने इस भंवर से अपने आप को निकालने की कोशिश की, लेकिन हमेशा ममता ने मेरे पांव बांध दिए। आज भी मैं आ गई सिर्फ मेरे बच्चे की जिंदगी बचाने के लिए। माधुरी वो सिर्फ तुम्हारा नहीं, हमारा बच्चा है। वो भी मेरा बच्चा है, समझे आप? और जैसे ही बात मैंने आपको आपको समझाई, उसे भी समझा दूंगी। समझाओगी तो तब ना जब वो बचेगा। खुल गई, वो कुछ ही दिनों का मेहमान। माधुरी अगर मुझे वरुण से लगाव नहीं होता तो मैं कभी तुम्हारी जिद पूरी नहीं करता, बिना कोशिश के मर जाने देता उसे। तुम जाना चाहती हो जाओ, लेकिन फिर कभी पीछे मुड़कर मत देखो, वरुण की खातिर भी नहीं। अपनी आंखों के सामने उसे तिल तिल करके मर जाने देना, लेकिन भूल कर भी कभी मेरे पास वापस मत आना। नाश्ता क्या लगता हूँ, वो तो सिर्फ तुम्हारा बच्चा है ना। इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं अपने सारे रिश्ते निभाए जा रहा हूं, और तुम? मैंने गुस्से में आकर तुम्हें चार बातें क्या बोल दी, तुम अपने सारे रिश्ते तोड़कर जा रही हो? ठीक है, तुमने इतना सब कुछ कर लिया ना, एक काम और कर दो, अपने हाथों से गला घोटकर मार दो वरुण को, सारी तकलीफ ही खत्म हो जाएगी।
क्या हुआ, चुप क्यों हो गए? इनडायरेक्टली भी तो यही सब करने वाली हो ना तुम। जो कुछ महीने बाद होने वाला है उसे आज ही कर दो। कुछ ठीक हो जाएगा, बस मुझे थोड़ा वक्त। चलो ये तो मान गई, बस अब किसी तरह वैशाली भी मान जाए तो। कितनी अच्छी है ना ये जिंदगी, ना कोई टेंशन ना कोई जिम्मेदारी, सिर्फ खेल कूद मस्ती। कितने कमाल के होते हैं ये बच्चे, कहीं भी किसी भी माहौल को बड़ा खुशहाल बना देते हैं। तुम कहीं ऐसा ही कोई सपना तो नहीं सोच रही हो अपने घर में? हाँ भाई, मैं तो सोच रहा हूं जब हमारे बच्चे होंगे तो वो भी ऐसे ही। वर्षा, एक बात पूछूं? बुरा मत मानना, ना ही उसे सीरियसली लेना, मैं सिर्फ पूछ रहा हूं ऐसे ही। मान लो अगर इन फ्यूचर हमारा ये सपना पूरा ना हो पाए, मतलब अगर अधूरा रह जाए, तो क्या तुम इस अधूरे सपने के सहारे रह पाओगी? वर्षा, वर्षा, क्या हुआ? तुम सुन रही हो मैं क्या कह रहा हूं? वर्षा, सतीश, हाँ चल चल के देखते हैं कार का क्या हुआ। लो एक खबर सुनो, एक पति अपनी पत्नी को धोखा दे रहा। जब ये बात पत्नी को पता चली तो उसने पति का खून कर दिया। जब भी मैं ऐसी बात सुनता हूं ना मुझे बहुत तकलीफ होती है। मुझे पता नहीं कि शादी ऐसे पवित्र बंधन के साथ ऐसा क्यों करते हैं ये लोग। क्या इनकी आत्मा इनको नहीं झकझोरती? जब ऐसी करतूत करते हैं तो कि इन्हें शर्म नहीं आती? पापा, मैं ऑफिस जा रहा हूं। अरे ऑफिस जा रहे हो तो इसको भी साथ ले जाओ ना, स्टेशन छोड़ देना। तुम्हारी माँ खुद ही तुमसे बात करने वाली थी, लेकिन वो मंदिर जाने वाली थी इसलिए मैसेज मेरे पास छोड़ के गई। चलिए छोड़ देता हूँ। हाँ मैं वरुण को लेके आती हूँ। और हाँ, तुम्हारी माँ कह रही थी शाम को आते वक्त वैशाली को भी लेते आना।